पर आइए एक खास पेशकश आपके लिए। कल सीआईआई की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री के योगदान पर चर्चा की। चर्चा की थीम थी न्यू इंडिया इन न्यू वर्ल्ड। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से इंडस्ट्री की किस तरह की तैयारी है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का रोडमैप क्या है और ऐसे कई अहम मुद्दों पर सीआईआई के प्रेसिडेंट डेजिग्नेट और बजाज फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज साहब से हमने बात करी। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जैन ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है संजीव बजाज साहब के साथ। आइए एक झलक देख लेते हैं कि क्या कहा है उन्होंने भारत में इंडस्ट्री के रोडमैप को लेकर। कैसे देखते हैं इसके अनाउंस संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री का देश के लिए, आपका क्या कहना है? पीएम की जो आज स्पीच थी टू सीआईआई एट आर एनुअल सेशन फॉर 2021 वाज़ ए वेरी इंस्पायरिंग, बट इट वाज आल्सो अ स्पीच कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड वेरी पॉजिटिव स्पीच। ही एसेंशियली फोकस्ड ऑन न्यू इंडिया इन अ न्यू वर्ल्ड। और अगर आप देखा जाए तो शुरू में ही हैज कंग्रेचुलेटेड द इंडस्ट्री फॉर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट थ्रू द पैंडेमिक एंड एक्सप्रेस बोथ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट टू द इंडस्ट्री। और फिर उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से इस गवर्नमेंट अलग अलग रिफॉर्म अंडरटेक किए हैं, पैंडेमिक के थ्रू भी कर रहा है, दे आर ओपनिंग अप सेक्टर्स विच वर अर्लियर ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। उन्हें यह भी पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज टू इम्प्रूव, तो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट की रूल जो है वो जो रिपील की है, डीक्रिमिनलाइजिंग अ नंबर ऑफ लॉज इन द कंपनीज एक्ट, वो ये वेरी क्लियरली बता रहे हैं कि वी फ्रॉम द गवर्नमेंट आर डूइंग वॉट एवर वी कैन टू हेल्प पोजिशन इंडिया फॉर फ्यूचर ग्रोथ। हाँ, आप बताइए, टेल अस मोर वॉट मोर वी कैन डू, बट एट द सेम टाइम देन एज प्राइवेट सेक्टर लेट्स वर्क टूगेदर, वी हैव ट्रमेंडस कॉन्फिडेंस। एज ही टॉक्ट अबाउट, ये जो रिफॉर्म्स के बारे में बात की है, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट किया एंड दैट इज दैट दिस इज नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, बट हम ये कर रहे हैं आउट ऑफ कन्विक्शन। एंड ही हैज रिपीटेडली सेड, वी हैव सीन इन द लास्ट ईयर ऑल्सो, कि प्राइवेट सेक्टर हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंडियाज ग्रोथ एंड ही इज फुल्ली सपोर्टिव ऑफ दैट। ही हैज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन आर यूथ, इन देयर एबल टू इन देयर एबिलिटी टू इनोवेट, in the entire startup culture. I can go on and on, but he gave a very positive message to India to say that things are improving, the government is behind us, so let's get going together. Industry kaise tayar hogi, kab aur kitna confidence aur chahiye to go out there and invest, jis tarah se government sarkar cha rahi hai ki industry aake invest kare for India and for the world, wo kab hoga? मेरी होप यही है कि एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल, वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव। वी शुड डू मोर। आई कैन सी सम अमाउंट ऑफ लैक्सिटी कमिंग ऑल्सो एज थिंग्स ओपन अप, एंड दैट्स वाई रादर देन ब्लेम द गवर्नमेंट और इंडस्ट्री फॉर एवरीथिंग, फर्स्ट एज इंडिविजुअल वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। लेट अस मेक श्योर दैट वी कीप दिस थर्ड वेव इफ इट कम्स एज ए स्मॉल वेव, एंड इफ वी डू दैट यू विल सी दीज मिडल इंडस्ट्रीज दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट get back on the growth path, you will see investments coming in, so that you will truly see a collaboration then of the effort of the government with the private sector in building our economy to our next level of growth. So, is waqt liquidity ki jo concerns thi wo kafi had tak government ne address kiya, RBI ne address ki hai, but abhi bhi wo problem hai at the ground level. Kaise dekhte hain wo address karte hue, particularly for businesses that need money and growth to the next level. Agar real sector ko grow karna hai, it has to be supported by the financial sector, and that's why this requires a whole rethink by the government and the regulators. Ki jo financial services sector hai, the capital markets, banks, insurance companies, how do we use their capital, how do we get them to grow, how do we bring more competition so that there is more penetration of these products and services across the country, how do we leverage the digital world so that they can enable the real sectors to take us to that 11 trillion economy by the end of the decade. So, ye the bajaj saab jo baat chit karte hue swati khandelwal se, aaiye badhte aage